बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट दाऊद अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक न्यू और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नाज़रीन, काफी हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी लाहौर स्मार्ट सिटी में परचेजिंग की है, उनकी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, और काफी ऐसे लोग हैं जो लाहौर स्मार्ट सिटी में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनका सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस क्या लगेंगे, डेवलपमेंट चार्जेस कब अप्लाई होंगे, कितनी देर में हमें पे करने होंगे और कितने डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी हमारे इन्वेस्टर्स भी अभी हमसे कर रहे हैं और जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं वो भी हमसे ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, लाहौर स्मार्ट सिटी में अभी तक किसी भी किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस जो है अप्लाई नहीं की गए, ना ही ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में जहां पे ऑलरेडी पोजेशन आया है वहां पे भी नहीं अप्लाई हुए, ना ही किसी और ब्लॉक में। लेकिन ये कब होंगे हम आपको एक्सपेक्टेडली बता देते हैं कि ये कब से आपको जो है अप्लाई होना स्टार्ट होंगे। देखिए, जब किसी भी ब्लॉक में डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और वो पोजेशन के नियरेस्ट होगी और आपका पेमेंट प्लान भी जो है वो खत्म होने वाला होगा, कंप्लीट होने वाला होगा, तब ये डेवलपमेंट चार्जेस जो है आपको अप्लाई किए जाएंगे। और कितने होंगे ये भी काफी लोगों का क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो इनका जो प्रोजेक्ट था कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में, जहां पे इनको M2 मोटरवे से इंटरचेंज भी मिला, चक्री रोड से भी उसकी एंट्रेंस है, तो वहां पे अगर डेवलपमेंट चार्जेस देखें तो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो अप्लाई किए गए हैं। तो उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ उसी तरह की पॉलिसी जो है लाहौर स्मार्ट सिटी में भी मैनेजमेंट की तरफ से जो है अपनाई जाएगी। अगर वहां पे टाइम का देखें तो तकरीबन 4 क्वार्टर में आपसे इंस्टॉलमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में डेवलपमेंट चार्जेस जो है लिए जाते हैं, और एक्सपेक्टेड है यहाँ पे भी कोई 1-1.5 साल के अंदर ही आपको इंस्टॉलमेंट में डेवलपमेंट चार्जेस पे करने होंगे। और एक्सपेक्टेडली हम देख सकते हैं 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे लग सकते हैं। लेकिन ये कोई कंफर्म फिगर नहीं है कि इतने ही लगेंगे, हो सकता है इससे कम भी हो सकता है थोड़ी इससे ज्यादा भी हो। लेकिन जो हम कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखते हैं जो कि HRL का ही प्रोजेक्ट है, वहां पे तकरीबन यही जो है हमें डेवलपमेंट चार्जेस देखने को मिले। और जब आपके ब्लॉक की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, फुल पेस में होगी, और जब आपको उसका पोजेशन नियरेस्ट होगा तब ही ये डेवलपमेंट चार्जेस आपको पे करने होंगे, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे। अभी काफी लोगों के लाहौर स्मार्ट सिटी में जो पेमेंट प्लान है वो कंटिन्यू है और डिफरेंट ब्लॉक्स में डेवलपमेंट जारी है। जब ये चीजें होंगी वाइंड अप, उसके बाद ये डेवलपमेंट चार्जेस का मरहला भी आएगा। तो उम्मीद है कि आपका ये जो क्वेश्चन था, कंसर्न था, वो क्लियर हो चुका होगा। फर्दर अगर आपका लाहौर स्मार्ट सिटी में कोई प्लॉट है या आप प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी कोई क्यूरी है लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 0300-111-8904 पर आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।